सिंगरौली में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके घर को जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर का आधा हिस्सा शासकीय जमीन पर बना हुआ था। एसडीओपी हिमाली पाठक ने बताया कि ये बच्ची ग्राम देवरी में अपनी अर्थ विक्षिप्त माँ रामपति नाई के साथ अकेली रहती है। जब वो आंगन में सो रही थी, तब उनका पड़ोसी विनय तिवारी आया और उसने जबरन बच्ची को उठाकर कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। बच्ची के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के शिवलाल और रामपति आए तो विनय तिवारी वहां से भाग गया। बच्ची की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के निर्देश पर पुलिस टीम ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर आरोपी के घर के आधे भाग को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। दिनांक 26/5/2023 को थाना चितरंगी में प्रकरण की पीड़िता अपनी अर्ध विक्षिप्त माँ के साथ आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की कि जब वे अपने घर के आंगन में सो रही थी तो गांव का ही आरोपी विनय तिवारी उसके घर की चार दीवारी नाक कर जबरदस्ती घर में घुसा और उसको एक कमरे में ले जाकर गलत काम किया। चूँकि पीड़िता अपने परिवार में अपनी माँ के साथ अकेली रहती है, पिता का स्वर्गवास हो गया और दो भाई मजदूरी करने हिमाचल गए हैं। पीड़िता की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। मैं चितरंगी में धारा अपराध क्रमांक 236/23 धारा 376/450 342 पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इसके उपरांत रिस्पेक्टेड एसपी सर और कलेक्टर सर के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और आरोपी के अवैध अतिक्रमित जमीन के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।